हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आपका मेरी नई वीडियो में स्वागत है। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9। तो अभी मेरे को मासी ने बोला कि जल्दी तैयार हो जा, जल्दी हाथ वगैरह धो ले, फिर फुलके बनाने। तो देखो गाइस कैसे कैसे मेरे से काम करवा रहे हैं आज। तो चलिए हाथ वगैरह धो लेता हूँ, फिर उसके बाद खाना वगैरह बनाते हैं। गाइस मैंने हाथ वगैरह धो दिए और देखो मेरे लिए यहाँ पे बिल्कुल तैयार है सब कुछ। ये रहा आटा, अब फुलके बनाने हैं, और ये रहा चूल्हा। चूल्हे पे फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ मैं, तो क्या करूँ, काम पे लगाया तो अब कर लेते हैं काम वगैरह भी। गाइस मुझसे गोल रोटी बनती है कि नहीं बनती है अभी देखेंगे, अभी पता लग जाएगा, क्योंकि मैं फुलके बड़े अजीब से बनाता हूँ, अजीबो गरीब बनाता हूँ। A few moments later. तो अभी मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी हूँ, क्योंकि अभी खाना बनाया, उसके बाद अभी कंबल वगैरह धोने, उसके बाद लकड़ियाँ लाने जाना है, तो काफ़ी ज़्यादा काम है। तो कैमरा पकड़ने का टाइम ना मिले मुझे, तो चलो कोई नहीं, काम शाम कर लेते हैं पहले, वो भी ज़रूरी है, फिर आपको बताते रहेंगे थोड़ा। मैं तो सोच रहा हूँ कि चलो कोई चक्कर नहीं, देखते हैं आगे क्या सीन रहता है, ठीक है। तो गाइज अभी काफ़ी काम करने के बाद अब मासी ने मेरे को बोला कि लकड़ियाँ लाने चलते हैं। तो अब मैं लकड़ियाँ लाने आया हूँ मासी के साथ। आप देख सकते हो इधर ऊपर, वो वहाँ पे आपको मासी दिख रहे होंगे, वो दिख रहे होंगे वहाँ पे थोड़े थोड़े। तो मासी वहाँ पे अभी लकड़ियाँ काट रहे हैं और फिर वो हम लेके आएंगे घर के लिए। तो काफ़ी बुरी हालत होगी, और मैं देखो अभी किस पे चल रहा हूँ। ये तो गाइज ये देख सकते हो आप, एक पेड़ है टूटा सा और अपन इसके ऊपर से चल रहा है। गाइज डरता नहीं है अपन, मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश हूँ। तो किसको देख के तुम्हें सीख मिली क्या बड़ा वो बनना? शौक है बचपन से, मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश हूं। बाकी व्यू देखो यार, लकड़ियां लेते हैं अब घर के लिए। ये मासी जो है ना बोलती मेरे को वीडियो में नहीं लाना, लेकिन मैं नहीं मानने वाला, मैं फिर भी लाऊंगा इनको वीडियो में। तो रास्ता नहीं मिल रहा गाइस। हेलो गाइस, तो बुरी हालत हो गई, आप मेरे पीठ पे देख सकते हो लकड़ियाँ। नर्सरी LKG में था, मेरे पीठ पे बैग होता था, कॉलेज पहुंचा तो भी बैग था, लेकिन अब ग्रेजुएशन वगैरह कर दी, लेकिन पीठ मेरी कभी खाली नहीं रही। आप देख सकते हो पीठ पे आज बैग से स्टार्ट किया था, और आज कहाँ पर हूँ। सोचा जॉब लगेगी, जॉब तो लगी नहीं, देख सकते हो आप। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सबको कि पढ़ना रहने दो, बचपन से पढ़ाई छोड़ दो, सीधा यही पीठ पे जो मैंने पकड़ा हुआ है ना वही पकड़ो, और ऐसे लकड़ियां लाओ। गाइस मैं इसको जल्दी से जल्दी घर पे पहुंचाता हूँ, क्योंकि काफी थक चुका हूँ अब मैं, अब हिम्मत भी नहीं रही। मासी के घर आया था, पता था मुझे कि काम करवाएंगे यार। गाइस फाइनली मैं लकड़ियां पहुंचा के आ गया, और काफी थक गया हूँ, अब थोड़ी देर बैठते हैं, अब देखते हैं और क्या काम बोलते हैं, क्योंकि आज के दिन सिर्फ काम ही काम है। अब जब तक यहाँ पे फंक्शन वगैरह नहीं होता था, थक गया गाइस। तो फंक्शन शायद से सैटरडे संडे मंडे 3 दिन चलेगा, तो फिर उसके बाद ट्यूसडे को हम वापस भी आ जाएंगे। तो गाइस मैंने अभी मसा खाना खाया, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे पैंट किया हुआ था हमने इस कमरे में। मासी तो अभी भी पैंट कर रहे हैं, खुद से पैंटर बने हुए हैं ये, मतलब ये चाहते हैं कि पैंटरों का रिकॉर्ड तोड़ दे। देख लो ऊपर, देख लो पूरा छत पैंट से भरा हुआ है, व्हाइट पैंट किया अभी इन्होंने। बाकी अब इधर सफाई वगैरह करनी है, और ऊपर वाले छत को भी अभी हमने साफ वगैरह करना है। गाइस इस इंसान ने मेरे को आज बड़ा थका लिया है, सुबह कब धोया मैंने? हाँ कब, आज 3 दिन हो गए धोने को, बराबर वीडियो में आ रहा है। अब आप गए, तू तो गए हो, अब तू तो गए हो, तू तो गया बेटे। मासी ने बिल्कुल मुंह नहीं धोया, ये बहुत गंदे हैं। तो इनकी शक्ल देखो अभी कैसे दुपट्टा रखा है, बट इन्होंने मुंह नहीं धोया है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे बाहर पैंट हो रहा है दरवाजे को, और ये हमारे यहाँ पे 2 पैंटर लगे हुए हैं। तो गाइस अभी मैंने टोपी उतारी है, क्योंकि टोपी में ना बाल काफी ज्यादा दर्द कर रहे थे, तो मैंने इस वजह से टोपी उतार दी। तो अब बाल भी नहीं है ठीक, बाकी कोई नहीं, अभी मैं दूसरे छत पे हूँ, अब नीचे जा रहे हैं, यहाँ पे पैंटर लगेंगे, ये देख सकते हो नीचे जाएंगे यहाँ से। तो ये देख लो यहाँ पे पैंट हो रहा है दरवाजों को, घर को पूरे पैंट कर दिए हमने, अब बाहर से भी करना है हमने पूरे घर को।
पूरी इतनी बड़ी बिल्डिंग को, इस कोठी को पूरी। What is it now? देख सकते हो आप आसपास भेड़ू भी हैं यहाँ पे, पर वो अंदर रखे हुए हैं अभी, उनको बाहर नहीं निकाला क्योंकि वो भाग जाते हैं फिर। ए, इसके अंदर छुपाए हुए, इसके अंदर। तो वो देखो नीचे बाघ दिख रही होगी आपको, उजड़ी हुई बाघ है ये। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, यहाँ पे थोड़ी सी कड़म वगैरह लगाई है सब्जी, इधर भी सब्जी लगाई हुई है। बाकी इस सब्जी की भी बुरी हालत कर दी है भेड़ों ने, बड़ी निकम्मी भेड़ है। बाकी देख सकते हो आप पार पहाड़ियाँ, कितना खूबसूरत व्यू है गाइस। गाइस मैंने टोपी फिर से पहन ली है, अब मैं जाता हूँ अंदर, सबसे पहले झाड़ू लाता हूँ। झाड़ू कहाँ है ढूंढना पड़ेगा, और यहाँ पे पैंट किया है तो मुझे बड़ी सावधानी के साथ अंदर जाना पड़ेगा। ये चले गए हम अंदर, अब यहाँ पे झाड़ू ये रहा। अब जाते हैं हम ऊपर वाले छत पे और वहां पे हमने सफाई करनी है। सफाई वगैरह करते हैं, ले आ रहा हूँ, ला रहा हूँ। तो अब इन सीढ़ियों से चलना ना मुश्किल होता है बहुत, देख सकते हो आप कैसी सीढ़ियां हैं ये। ये मेरे अंकल का कारनामा है, उन्होंने ऐसी जैसी गोल गोल सीढ़ियां बनाई, पर इतनी कंजेस्टेड बनाई, थोड़ी खुली डुली बनाई होती। मजे के साथ चलते। ये रहा, यहाँ पे देखो आप कितनी गंद है, ये सब अभी हम साफ करेंगे। तो ओके बाय गाइस, अब हम सफाई करते हैं। हालत देख सकते हो आप मेरी, बहुत बुरी हालत हो गई है। बाकी ये गुत्थियां उठा रहा हूँ मैं अभी, ये पूरी गंद हमने आज इसमें कलेक्ट की और अभी इधर डल में फेंकेंगे हम। बाकी देखते हैं अब क्या रहता है सीन, काफी बुरी हालत हो चुकी है। ये इस डाल में फेंकना हमने, ये फेंक दी गुत्थियां। तो गाइस हम जाते हैं वापस, थोड़ा साफ सफाई करते हैं। ये देखो हाथों की कंडीशन क्या हो गई है, तो साफ सफाई वगैरह करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, नहाते हैं थोड़ा, तो उसके बाद मिलते हैं आपसे, ठीक है। तो गाइस अभी हमने काम वगैरह खत्म कर लिया है, अंकल देख सकते हो आप अब मुंह धो रहे हैं अंदर, तो मैं भी अब हाथ मुंह वगैरह धो लेता हूँ। हाथों की कंडीशन देख सकते हो आप, बहुत बुरी हो गई है काम करके। तो बाकी ये देखो अभी भेड़े भी यहाँ पे घास खा रही हैं। ओए, तीन भेड़े, तू तो गयो, तेरा तो कल्याण होने वाला है भरा, कुछ टाइम बाद तू चला जाएगा, बहुत दुख होगा मुझे, लेकिन तू है ही इसी का भी। क्योंकि गाइस आपको नहीं बता सकता, इसने अभी मेरे को एक टक्कर मारी थी, जोर की भयंकर टक्कर मारी थी, और ये इस वाले के साथ शरारते करता, जो ये वाला है ना, ये है जो ये वाला है ना, ये वाला, इसके साथ वो शरारते करता है। तो हमने सोचा कि उसको अब हम टाइम टाइम, समझ रहे हो ना, हम वो कर देंगे। बाकी अब हाथ मुंह वगैरह धोते हैं, तो उसके बाद क्या, बस व्लॉग को एंड करते हैं। तो ठीक है गाइज, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके बाय।